सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता तो चल ही चुका होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। हाँ, तो गाइस आज की वीडियो कम्प्लीटली टोटली बिगनर्स के लिए होगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगी जो लोग अभी स्टार्टिंग में बाइक चलाना सीख रहे हैं या फिर सोच रहे हैं बाइक चलाना सीखने की। मैंने इससे पहले एक स्कूटी के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, तो जिसपे कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि एक वीडियो बाइक के ऊपर भी बनाएं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और वीडियो को पूरी आखिरी तक देखें तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा मैं लास्ट में बिगनर्स के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी स्टार्टिंग में जब वो बाइक सीखेंगे। चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये है गाइस, देखिए बाइक अपाचे 160। इसके ऊपर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने सीखनी कैसे है, कैसे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि बाइक मैटर नहीं करती है, कोई सी भी बाइक हो तो आप लोग सीख सकते हैं इजीली। तो चलिए, बाइक चलाना सिखाने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बाइक के जो बेसिक कंट्रोल्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें राइट हैंडल बार पे क्या क्या मिलता है। ये राइट हैंडल बार पे ये है गाइस, ये है थ्रॉटल, और ये है इंजन किल स्विच, और ये है लाइट के लिए, ऑन ऑफ के लिए, और ये हमें मिलता है सेल्फ स्टार्ट। लेफ्ट हैंडल बार की बात करूँ तो यहाँ ये तो कुछ नहीं है, ये यहाँ पे हमें मिलता है क्लच, जो गाड़ी जो कंट्रोल करनी है हमने पूरे इस क्लच से ही करनी है। और ये जो है यहाँ पे, ये है पास के लिए, और ये लो बीम हाई बीम, ये इंडिकेटर्स, और ये है यहाँ पे मिलता है हॉर्न, और मैं जिसका ये आगे का ब्रेक है ये है डिस्क ब्रेक, जो फ्रंट ब्रेक होते हैं हमारे, और जो पीछे के होते हैं ब्रेक, रियर ब्रेक जो है वो है ये, तो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये है रियर ब्रेक जो कि राइट साइड होता है। लेफ्ट साइड पे, जो लेफ्ट साइड पे हमें मिलते हैं ये है गियर, और गियर का मैं आप लोगों को बता दूं, मोस्टली सारी बाइक्स में यही होता है, बट आप लोग बाइक चलाना सीखने से पहले जिस भी बाइक पर प्रैक्टिस कर ले तो पहले देख लेंगे उसके गियर कैसे हैं। तो इस पे जो है पहला गियर जो हमारा पड़ता है वो पड़ता है नीचे, और अगर हम उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो वो हो जाएगा न्यूट्रल, और अगर थोड़ा उसको हल्का और ऊपर करेंगे तो वो पड़ जाएगा हमारा सेकेंड गियर। ऐसी थर्ड गियर करना है तो और ऊपर, फोर्थ करना है तो और ऊपर, और फिफ्थ डालना है तो भी फिर ऊपर कोई, तो ये तो हो गया, इसमें पाँच ही गियर है तो फिफ्थ तक ही पड़ेगा। और अगर आप लोगों को गियर डाउन करना है तो नीचे को किया फोर्थ गियर, फिर नीचे किया थर्ड गियर, फिर नीचे किया, ऐसे गियर हमारे कम होते रहेंगे, डाउन होते रहेंगे, ये है डाउन शिफ्टिंग के लिए। तो ये अब देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने गाड़ी को स्टार्ट करना कैसे, बाइक को स्टार्ट कैसे करना है इसे। तो ये आप लोगों ने इग्निशन ऑन किया, और ये इंजन किल स्विच भी अपना ऑन कर लिया। और एक चीज़ ध्यान रखें हमेशा, आप लोग जब भी स्टार्टिंग में गाड़ी सीख रहे हैं तो आप लोगों ने गाड़ी को पहले न्यूट्रल पे करना है। तो ये देखिए गाइस, मेरी गाड़ी अभी, बाइक अभी न्यूट्रल में है और मैं इसको कर रहा हूँ स्टार्ट। अगर न्यूट्रल में है तो आप लोगों को क्लच दबा के स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ऐसी अभी गाड़ी स्टार्ट कर दी है, बट मैं एक आप लोगों से ये, जब भी आप स्टार्टिंग में करें, अगर आप बिगनर हैं तो हमेशा न्यूट्रल पे ही गाड़ी को स्टार्ट करें, गियर पे ना करें। हाँ, बट जैसे जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो आप गियर पे भी क्लच दबा के स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये अभी मैं एक्सीलेटर, अब मैं गाड़ी न्यूट्रल पे है, इसको एक्सीलेटर भी दे दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई गियर ही नहीं है तो गाड़ी मेरी आगे बढ़ेगी नहीं। तो अब देखिए, बाइक मैंने आगे चलानी है तो मैं आप लोगों को बता दूँ तो कि आप लोगों ने क्लच को कैसे हैंडल करना है। तो अब मैं पहला गियर डाल रहा हूँ, तो और आप लोगों ने गियर डालने से पहले आप लोगों ने क्लच दबाना है। ये देखिए, क्लच मैंने पूरा दबाया और गियर नीचे है, और ये देखिए मैं डाल रहा हूँ पहला गियर, खट करके मैंने पहला गियर पड़ गया, हमारा पहला गियर पड़ गया। और अब आप एक लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, मैं एक्सीलेटर नहीं दे रहा हूँ, और ये देखिए मैं क्लच को धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, ये देखो धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। आप लोग देखिए, मैंने हाफ क्लच छोड़ दिया है, बट ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। मैं अगर एक्सीलेटर भी दूंगा तो मैंने हाफ क्लच छोड़ रही है, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। अब देखिए, जैसे मैं ये क्लच थोड़ा और छोड़ रहा हूँ आगे को, तो मेरी गाड़ी आगे को बढ़ रही है, ये देखिए आगे को बढ़ रही है, और मैं एक्सीलेटर नहीं दे रहा हूँ। तो आप जब भी आप गाड़ी स्टार्टिंग में सीखें तो आप लोगों को एक क्लच का ही ध्यान रखना है कि आप लोगों को, इसे हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग में जो होता है क्लच का बाइटिंग पॉइंट होता है, आप लोगों को बाइटिंग पॉइंट का पता करना है। वो तो वैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत सी बाइकों में ऐसा होता है कि अगर आप लोगों ने हल्का भी क्लच छोड़ा तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। आप लोगों ने क्लच को किस तरीके से छोड़ना है, हल्का हल्का मैं क्लच छोड़ रहा हूँ, ये देखिए, अब जैसे वो हाफ क्लच से थोड़ा आगे को छोड़ा मैंने क्लच, तो मेरी गाड़ी आगे को बढ़ने लगी है। और आप लोगों ने पैर नीचे रखने हैं, तो आप लोग देख सकते हैं मैं एक्सीलेटर नहीं दे रहा हूँ और गाड़ी बढ़ रही है अपने आप आगे को। तो ये देखिए, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, अब मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया, ये देखिए क्लच मैंने धीरे धीरे पूरा छोड़ दिया, गाड़ी आराम से बढ़ने में लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लच मैंने इतने इजीली एफर्टलेसली छोड़ा कि गाड़ी मेरी आराम से बढ़ रही है। अब रोकने के लिए क्लच दबाएं
और ब्रेक दबा लें। तो ये देखिए क्लच मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी ऐसी धीरे धीरे छोड़ के ऐसी बिना एक्सीलेटर दिए खाली रोड पे ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ ना अभी, मैं एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ और क्लच मैंने छोड़ दिया पूरा। आप लोग देख सकते हैं क्लच बिल्कुल भी छोड़ दिया है और गाड़ी बढ़ने में लगी, आराम से बढ़ रही, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ऐसी क्लच की प्रैक्टिस कीजिए पहले, तब आप लोगों को क्लच का थोड़ा आइडिया आ जाएगा। और पहले गियर में ही ऐसी प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोगों का आइडिया आ जाएगा पूरा और आप लोग सीख जाएंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बढ़ रही है आराम से, मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया है और एक्सीलेटर भी नहीं दे रहा हूँ। अगर अब आप लोग हल्का हल्का एक्सीलेटर भी दीजिए, देखिए हल्का हल्का एक्सीलेटर दीजिए, देखिए हल्का एक्सीलेटर दिया मैंने, धीरे धीरे एक्सीलेटर दे रहा हूँ। आप लोगों ने ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है और पैर नीचे ही रखने हैं आप लोगों ने, तब अगर आप लोगों का बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बनता है तो। और हाँ, आप लोगों को अगर पैर अगर आप लोग ऊपर नहीं रखेंगे तो आप लोगों को हल्का फुल्का आगे का फ्रंट ब्रेक यूज़ करना सीखना चाहिए। हल्का हल्का इसी को दबाएं, ज़्यादा तेज़ से ना दबाएं इसको, एक उंगली से हल्का हल्का दबाएं अगर आप लोगों को रुकना है तो। और अगर आप पैर वाले ब्रेक फुट ब्रेक यूज़ कर लेते हैं तब तो और बेटर है, बट अगर नहीं कर पा रहे तो हल्का फुल्का जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, देखिए बताने की आप झटके में क्लच को छोड़ देंगे। देखिए अभी जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये झटके में क्लच छोड़ दिया तो गाड़ी बंद हो गई एकदम से। मैं फिर से करके दिखाता हूँ, अगर आप झटके में क्लच को छोड़ देंगे तो क्या होगा। ये देखिए मैंने क्लच को छोड़ा और झटके में छोड़ दिया क्लच, ये देखिए गाड़ी बंद हो जाएगी, भक्का आगे को होके गाड़ी उसके बाद बंद हो जाएगी। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लच छोड़ें, क्लच को काफ़ी ईजिली छोड़ना है, एफर्टलेसली छोड़ना है, एफर्ट लगाना ही नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूँ मैं, अब देखिए गाड़ी बढ़ रही है आगे को, अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है तो क्लच को मैंने पूरा छोड़ दिया। ये देखिए क्लच पूरा छोड़ दिया और धीरे धीरे एक्सीलेटर भी दे रहा हूँ। ये देखिए पहले गियर में आप लोगों ने ऐसी प्रैक्टिस करनी है, ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए आप खाली जगह, जैसे मैं अभी खाली जगह पे हुए, पहले गियर में आप लोग ऐसी प्रैक्टिस कीजिए कुछ दिन, तो आप लोगों को क्लच का आइडिया आ जाएगा और आप लोग सीख जाएंगे इजीली। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो को देख के क्लच को कैसे रिलीज करना है आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। तो आप लोगों ने सिर्फ इस ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, क्लच को जितनी इजीली एफर्टलेसली आप स्टार्टिंग में छोड़ेंगे आप लोगों को उतना उसका आइडिया आने लग जाएगा, और जैसे जैसे आइडिया आने लग जाएगा तो आप लोग सीख जाएंगे। तो ये वीडियो जो थी कम्प्लीटली बिगिनर्स के लिए थी, जो लोग फर्स्ट टाइम बाइक चलाएंगे या अभी उन्हें बाइक चलाते हुए कुछ ही दिन हो रहे हैं बट उन्हें क्लच छोड़ने में दिक्कत हो रही है। तो आप लोगों ने सिर्फ इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्लच को ईजिली छोड़ना है, एफर्टलेसली छोड़ना है और डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी गाड़ी सीखनी है तो डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो ये वीडियो तो पूरी कम्प्लीटली बिगिनर्स के लिए थी, तो इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो कि वो इंटरमीडिएट लेवल के लिए होगी, मतलब जो लोग हल्के फुल्के चला लेते हैं तो उन लोगों के लिए मैं हल्का फुल्का ट्रैफिक में कैसे चलाना है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज़ अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया या आप लोगों की थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है इस वीडियो को देख के, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग।